हेलो दोस्तों, सीमा का तड़का में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ काचरा और गवार फली की सब्जी, जो मारवाड़ राजस्थान की प्रसिद्ध सब्जी है। तो आप ध्यान से देखिए। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 250 ग्राम गवार फली, जो हमने इस तरीके से कट कर लिया है। और अब मैं इसे 2 बार पानी से धो लूँगी, अच्छे से मसल मसल के। आप इसे अच्छे से धोइए ताकि इसके अंदर मिट्टी होती है वो निकल जाए और एकदम गवार फली क्लीन हो जाए। अब हम धोई हुई गवार फली को उबाल देंगे। उसके लिए एक बर्तन लेते हैं, उसमें पानी उबलने के लिए रख देंगे और गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब हमारा पानी उबल गया है, उसमें गवार फली डाल देंगे। उसको 5 से 7 मिनट के लिए उबलने के लिए रख देंगे। ये याद रखना है कि हमें थोड़ी टाइम ही उबालना है ताकि गवार फली गल ना जाए। अब गवार फली उबल रही है, तब तक हम अब काचरे को कट कर लेंगे। इसके लिए मैंने 200 ग्राम काचरे लिए हैं। अब उसको इस तरीके से छील देंगे। काचरे 2 टाइप के आते हैं, एक छोटे आते हैं इसको खड़ चिबड़िया बोलते हैं, और एक बड़े आते हैं जो इस ये छोटे वाले चिबड़िए खाने की सब्जी, ये काचरे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसकी सब्जी खाते ही रहेंगे आप, इतनी स्वादिष्ट बनती है। काचरे बारिश के दिनों में आते हैं और दिवाली तक आते हैं, ताकि ये खाने में इस टाइम की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये आप ज़रूर ला के बनाना, बहुत अच्छी लगेगी। अब हम इसको इस तरह से काट लेंगे। आप चाहो जिस तरीके से शेप से आप कट कर सकते हैं, और ज़रूर आप टेस्ट करके देखना, क्योंकि बहुत खारे भी निकलते हैं। तो अब हमारे काचरे काट के रेडी है। आप चाहें तो इसे गोल भी कट कर सकते हैं और बड़ा बड़ा पीस भी आप काट सकते हैं। अब हम गवार फली को एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से उबल कर बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस तपेली को नीचे उतार देंगे। अब मैं इसको तपेली से एक जाली वाले चम्मच से पानी में से निकाल दूंगी एक बाउल में। तो अब हमारी इस तरीके से सारी गवार फली हमने निकाल दी है। अब हमारी गवार फली उबली हुई रेडी है और काचरे भी कट किए हुए तैयार है। अब मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ, उसमें 5 से 6 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। अब एक आधा छोटा चम्मच हींग पाउडर और एक छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे और उसे अच्छे से पकने देंगे। अब मैं इसमें कुछ करी पत्ते डाल दूंगी और 3-4 कूटी हुई मिर्ची डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम मिर्ची को 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे। अब हम काचरे को डाल देंगे और चम्मच से हिला देंगे। अब हम इसे अच्छे से 4 से 5 मिनट तक हिलाते जाएंगे। ये सब्जी राजस्थान में आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। आप किधर भी होटल में जाएंगे तो भी आपको काचरे गवार फली की सब्जी मिलेगी। ढाबे में जाएंगे तो वहाँ भी आपको ये मिलेगी। और इसके पास अगर बाजरी के सोगरे से हम काचरे की गवार फली की सब्जी खाएंगे तो उसका टेस्ट और 2 गुना बढ़ जाएगा। बारिश के दिनों में ही काचरे की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, और ये दीपावली तक आपको काचरे दिखने में मिलेंगे। 5 मिनट बाद मैं एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूंगी और 1 बड़ा चम्मच नमक। अब मैं उसको डाल के अच्छे से हिला दूंगी। अब मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए इसे अच्छे से पका दूंगी। अब 3 से 4 मिनट के बाद मैं 3 से 4 छोटे चम्मच मिर्ची पाउडर डाल के और उसे अच्छे से हिला दूंगी। अगर आपको इसमें एकदम लाल कलर लाना है तो उसमें आप 1 से 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, ताकि उसका एकदम कलर अच्छा आ जाए लाल लाल। 3 से 4 मिनट काचरे हिलाने के बाद अब मैं इसमें गवार फली डाल दूंगी, और दोनों गवार फली और काचरे को दोनों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप चाहे तो गवार फली को कच्ची भी ले सकते हैं, लेकिन उसको पहले जब आप छौंका रखें तो गवार फली पहले डाल के 2 मिनट के लिए उसे अच्छे से हिला देना, ताकि थोड़ी गवार फली पक जाए। मैं आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और डाल दूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा मिर्ची कम लग रही है, इसके लिए मैंने और डाल दी है और उसे अच्छे से हिला दिया है। अब आप गर्म पानी इसमें डालने के लिए थोड़ा एक साइड में आप गर्म रख दीजिए।
आधा गिलास गरम किया हुआ पानी डाल दूंगी और चम्मच से हिला दूंगी। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही उबलने देंगे और चम्मच से थोड़ा हिला देंगे और गैस की फ्लेम को हम फुल रख देंगे और उसे ऐसे ही 2 मिनट के लिए उबलने देंगे सब्जी को। अब हम इसे ढक देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। अब 5 मिनट हो गए, अब हम ढक्कन उठा के सब्जी को चेक कर देंगे और थोड़ा पानी और डाल के और चम्मच से हिला देंगे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही हिलाते जाएंगे। अब इसे ढककर रख देंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हमारे 5 मिनट हो गए, अब हम ढक्कन को हटा के चेक करते हैं। अब चम्मच से हिलाकर देखते हैं। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और काटे हुए हरे धनिया डाल देंगे और चम्मच से हिला देंगे। एक से 2 मिनट में इसे ऐसे ही पकने दूंगी, फिर 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख दूंगी। अब हमारे 2 मिनट हो गए हैं, अब हम एक बार सब्जी को चेक कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे। इसी के साथ काचरे गवार फली की सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो आप भी काचरे और गवार फली की सब्जी ज़रूर बनाइए और खाइए, और इसे बाजरी के सोगरे के साथ खाने का तो टेस्ट कुछ अलग ही आता है। और इसे अगर आप रोटी खाते हैं तो 2 की जगह 4 रोटी खाएंगे और खाते खाते आप उंगलियां भी चाटते रह जाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए को ये आपको रेसिपी कैसी लगी।